आज हम अपने अर्थशास्त्र की क्लास में आपके मांग के जो नियम हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मांग का नियम कब लागू होता है, मांग नियम की क्या मान्यताएं होती है, अपवाद क्या हो सकते हैं मांग नियम के। तो मांग का नियम लागू कीमतों के अलावा, कीमतों से तो प्रभावित होता ही है, जैसे किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग प्रभावित होगी, मांग कम हो जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग अधिक हो जाएगी। मांग पर कीमत के अलावा अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, अन्य प्रतिस्थापन की जो भी वस्तुएं हैं वो, सीमांत उपयोगिता, इन सब का प्रभाव भी पड़ता है। मांग नियम के बारे में आपको वापस एक बार बता देते हैं, जैसे वैसे मैंने इस पार्ट में बहुत सारा आपको बता दिया है मांग के नियम के बारे में। उसमें देखिए, जैसे किसी वस्तु की कीमत का ही अगर हम लेंगे, अगर किसी वस्तु की कीमत अगर हम लेते हैं तो जैसे आप किसी अपने पसंद की चीज़ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम अनार या सेब की मात्रा का ही लें, हम किसी भी वस्तु का ले सकते हैं। तो अगर किसी भी फल की मात्रा है, सेब की मात्रा है, उसको लोग अगर कीमतें अधिक होगी तो लोग कम खरीदेंगे, वाजिब बात है, नॉर्मल बात है। कोई भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो आम आदमी उस चीज़ को कम खरीदेगा, और कीमतें अधिक होने पर उस वस्तु की मांग है वो कम हो जाएगी, और मांग तभी प्रभावित होती है जब ज़्यादा उपभोक्ता होते हैं खरीदने वाले। कम उपभोक्ता खरीदने वाले होते हैं तो मांग प्रभावित नहीं होती है। अगर वस्तु की कीमत पी है तो लोग ओ से लेकर क्यू तक ही सेब की मात्रा खरीदेंगे, और अगर वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, आप ही देखिए, सेब की मात्रा चाहे अनार की मात्रा चाहे आम की मात्रा ले लिए, 100 रुपये किलो जब आम थे तो लोग कम खरीदते थे, अब 40-50 रुपए किलो आ गए तो लोग डबल खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं। तो अगर कीमत कम होगी तो किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मांग है वो अधिक हो जाती है। अब इसमें देखिए, ये तो हो गया मांग का नियम, कीमत तो प्रभावित करती है मांग के नियम को, फर्स्ट कारक है कीमत का प्रभावित करना मांग के नियम को। लेकिन मांग का नियम लागू क्यों होता है, क्यों मांग के नियम के बारे में पढ़ना आवश्यक होता है, क्यों जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो मांग नियम लागू होने के अनेक कारक होते हैं, जैसे फर्स्ट हम देख सकते हैं आसमान, सीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसके द्वारा भी मांग का नियम लागू होता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत है वो अगर ज़्यादा होगी तो किसी भी उपभोक्ता के लिए उस वस्तु की उपयोगिता है वो कम हो जाएगी, और किसी भी वस्तु की अगर कीमत कम होगी तो उस वस्तु की उपयोगिता अपने आप ज़्यादा हो जाती है। तो कीमतों का प्रभाव तो पड़ता ही है, इसके साथ साथ सीमांत उपयोगिता हास नियम के द्वारा जब तक उपभोक्ता को अंतिम स्तर तक संतुष्टि प्राप्त होती है तब तक वो उस वस्तु का उपयोग करता है। तो उपयोगिता भी मांग को प्रभावित करती है, किसी वस्तु की उपयोगिता है वो मांग को प्रभावित करती है। दूसरा कारक ये मान लें हम, जैसे कि प्रतिस्थापन की कोई वस्तु है, प्रतिस्थापन की कोई वस्तु है वो भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। जैसे इसमें हम ले लें, जैसे दो फ्रूट के बारे में ले लेते हैं हम, सेब या अनार के बारे में ले लें, अगर लोग हैं वो, जैसे ये आपके 100-100 रुपए किलो ही थी दोनों मान लो, और वैसे होती भी है, लगभग दोनों ये फ्रूट महंगे आते हैं। तो सेब और अनार का उदाहरण ले लें, इसके अलावा और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप अपनी ज्वेलरी का उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी आपकी फैंसी चीज़ें उनका उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे सेब की कीमत थी वो 100 रुपये थी, अनार की कीमत 100 रुपये थी, लेकिन जब सेब की कीमत 50 रुपये हो जाएगी और अनार की कीमत अगर 100 रुपये होगी तो लोग क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे थोड़ा, और फिर इसकी जगह इसको भी खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि इसकी प्राइस कम हो गई, इसकी प्राइस है वो कम हो गई। तो किसी भी वस्तु की अगर एक वस्तु की कीमत है वो अगर कम होती है तो दूसरी वस्तु द्वारा उसकी मांग है वो प्रभावित होती है। सेब की मात्रा है वो अनार की
कीमत बराबर रहने के कारण, सेब की कीमत कम होने के कारण प्रतिस्थापन में लोग इसको नहीं भी खरीदेंगे। दोनों ही फ्रूट हैं, वो ज़रूरी होते हैं, लेकिन रेगुलर लोग दोनों ही चीज़ों को खरीद रहे हैं कम मात्रा में। अगर इसकी प्राइस है वो कम हो जाती है तो लोग इसको क्यों खरीदेंगे, फिर इसको खरीद लेंगे, सेम खा लेंगे, अनार खाना क्या ज़रूरी है। और अगर इसकी प्राइस कम नहीं होती है, मान लो इसकी प्राइस कम नहीं होती, इसकी प्राइस कम हो जाती है, 50 रुपये किलो हो जाएगी कई बार, तो लोग इसको खाना ज़्यादा चालू करेंगे। तो प्रतिस्थापन का नियम है वो भी मांग को प्रभावित करता है, मांग के नियम को लागू करता है। तीसरा आ जाता है आय का प्रभाव। आय में देखिए, किसी भी उपभोक्ता की अगर आय अधिक होगी तो वो किसी भी वस्तु को आसानी से खरीद सकता है। आय प्रभावित करती है मांग को। अगर उपभोक्ताओं की आय है वो ज़्यादा है तो बाज़ार में वस्तुओं की मांग है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा होगी, खरीदने की क्षमता ज़्यादा होगी, उनके पास पैसा उपलब्ध होगा। लेकिन अगर उपभोक्ताओं की आय है वो कम होगी तो क्रय शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। जैसे अभी कोरोना काल में आप देख लें, लोगों के पास में रोज़गार नहीं है तो लोग ज़्यादातर दुकानें आप देखिए वही चलती है, जो राशन की या किराने संबंधी या सब्जी फ्रूट मार्केट होता है वही चलता है। आप देखें फैंसी की दुकानें या कपड़े जैसा कोई व्यवसाय है वो कम चलता है। क्यों? क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति नहीं है। लोगों की क्रय शक्ति कम है तो वो खरीदेंगे कहाँ से। तीसरा आ जाता है आपके, कीमत तो प्रभावित करती है, आपको बता ही दिया मैंने कि किसी भी वस्तु की कीमत है वो इस वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी। कीमतें ज़्यादा होगी तो लोग कम खरीदेंगे, अपने आप डिमांड है वो कम हो जाएगी, और कीमतें कम होगी तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ये तो हो गया मांग के नियम के लागू होने के कारण। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी कि जिनकी मांग और कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनसे किसी भी वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो भी उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे देखो, पहले ले लेते हैं हम अपवाद स्वरूप में गिफिन वस्तुएं ले लेते हैं। अपवाद स्वरूप में हम गिफिन वस्तुएं ले लेते हैं, उसमें देखिए गिफिन वस्तुओं में जैसे गिफिन वस्तुएं अगर हम ले इसमें तो देखिए, इसमें जो रोज़मर्रा की ज्वार बाजरा है, चावल है, गेहूं है, ये हम ले सकते हैं इसमें। गेहूं, चावल है, जो भी राशन का अदर सामान जो जीवन के लिए आवश्यक है कुछ भी ले सकते हैं हम। अब इनकी कीमतें अगर बढ़ेगी तो क्या लोग खाना खाना छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। तो ये अपवाद स्वरूप वस्तुएं हो सकती है। इन वस्तुओं की डिमांड है, अगर कीमत बढ़ेगी तो भी अगर आवश्यकता है तो इस वस्तु की मांग बढ़ेगी, और कीमतें कम होने पर भी इस वस्तु की मांग पर प्रभाव कम होता है। कीमतें अधिक हुई तो लोग क्या गेहूं नहीं लेंगे क्या? साल में दाल नहीं लेंगे, चावल नहीं लेंगे, क्या चीज़ नहीं लेंगे? और अगर कीमतें कम होंगी तो मांग अपने आप कम हो जाएगी। इसका ये अपवाद स्वरूप है। यानी कुछ वस्तुएं हैं जिनका कीमतें कम या ज़्यादा होने पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनकी कीमतें बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और कीमतें कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर गेहूं की अगर प्रति रुपए किलो इधर से अगर प्राइस नहीं बढ़ेगी तो गेहूं लोग बाद में भी ले लेंगे, क्या ज़रूरी अभी का भी लेना। लेकिन अगर महंगे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तो लोग अभी खरीदेंगे। तो कीमत ज़्यादा हुई तो भी मांग हो रही है, और कीमत कम हुई तो मांग कम हो गई। उसके अलावा हम ले सकते हैं जैसे प्रतिष्ठित कोई वस्तुएँ हैं वो, जैसे प्रतिष्ठामूलक कोई वस्तुएँ हैं वो। प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं में हम सोने का उदाहरण ले सकते हैं, चांदी का उदाहरण ले सकते हैं, और हीरे का उदाहरण ले सकते हैं। इनकी प्राइस ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका कीमतों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राइस ज़्यादा होगी तो भी लोगों को अगर सोना डालना है, सोना खरीदना है, तो उस प्राइस पर भी खरीदेंगे। तो प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं होती हैं, ये अपवाद स्वरूप हो सकती है। इनका कीमतों के बढ़ने पर या कीमतों के कम होने पर इन वस्तुओं को मांग से प्रभावित है वो नहीं किया जा सकता है। फिर कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें कि उपभोक्ता जैसे अज्ञान है, कोई अज्ञानता की कोई कारण है जिस कारण भी वो वस्तु की मांग प्रभावित हो सकती है। उसके अलावा जैसे कोई आवश्यकता की वस्तुएं हैं, ठीक है ना, भविष्य में जिसके प्राइस बढ़ने की संभावना है, भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर अगर हम कार्य करें तो देखिए
जैसे भविष्य में किसी वस्तु की कीमत है वो बढ़ने वाली है, आज बढ़ रही है और भविष्य में भी उसकी कीमत बढ़ेगी, तो मांग आज ही बढ़ जाएगी और भविष्य तक बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत है वो कम होने वाली है, जैसे सोने की कीमत आज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आज भी लोग खरीद रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर कम होने की संभावना होगी तो उससे मांग प्रभावित होगी। उसके अलावा हम और भी वस्तुओं की उदाहरण ले सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का ले लें, या बाद में इसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है, यानी भविष्य में उसकी कीमतें बढ़ सकती है, तो लोग उस समय उस चीज़ की मांग कर लेंगे। आज कीमतें कम है तो नहीं डिमांड करेंगे। तो जैसे बेचने खरीदने से संबंधित किसी व्यक्ति के पास में प्रॉपर्टी है, उसकी आज जैसे भूमि का भाव कम हो तो कोई व्यक्ति है वो अब नहीं बेचेगा, वो नहीं बेचेगा तो मांग भी नहीं प्रभावित होगी। तो भविष्य की संभावनाओं को देखने के कारण भी वस्तुओं की मांग कीमतों के कारण प्रभावित हो ये आवश्यक नहीं है। ये कुछ अपवाद स्वरूप है, सारी वस्तुओं से संबंधित नहीं होता है, कुछ अपवाद स्वरूप होती है जिसके कारण मांग है वो प्रभावित नहीं भी हो सकती है। बाकी लगभग कीमतों के कारण, आय के कारण, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, विज्ञापन के कारण, बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण, प्रतिस्थापन की वस्तु के कारण वस्तुओं की मांग है वो प्रभावित होती है। ये कुछ ही उदाहरण है कुछ ही वस्तुओं के जिनका ये लिया जा सकता है कि अगर उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी तो भी मांग बढ़ेगी, और वस्तुओं की कीमतें कम होने पर मांग कम हो सकती है। ये अपवाद स्वरूप कुछ वस्तुएँ हैं, सारी नहीं होती है, कुछ स्वरूप है इसलिए आपको बताइए। और कुछ आवश्यकता की वस्तुएं भी होती हैं, इनमें आवश्यकता की वस्तुएं भी ले सकते हैं कि जिनकी कीमत है वो आज बढ़ रही है तो भी उसकी मांग बढ़ेगी, एकदम लोग उस चीज़ का स्टॉक है वो एकत्रित करना चाहते हैं, और अगर भविष्य में कीमत कम होने वाली है तो लोग उस चीज़ को बाद में खरीद लेंगे, अभी खरीदना कोई ज़रूरी नहीं। तो वो कुछ नियम, कुछ अपवाद ऐसे जो कि मांग के नियम के अपवाद स्वरूप समझे जा सकते हैं। बाकी आपको मांग का नियम सीधा सा है, कीमतें बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग है वो कम होती है, और कीमतें कम होने पर वस्तु की मांग है वो अधिक होती है। ये जनरल सामान्य बात है जो सभी उपभोक्ताओं पर लागू होती है। आज आपके ये तीसरा पार्ट है इकोनॉमिक्स का, वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट मांग से संबंधित है, मांग की लोच से संबंधित है, वो आपकी चौथा पार्ट है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।